नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज हम आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आए हैं यूपी सीएचओ रिक्वायरमेंट 2022। यूपी नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल फील्ड में नौकरी पाने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका दिया गया है। यूपी नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी के तहत कुल 4000 पदों पर भर्ती की जाएगी। एज पर द नोटिफिकेशन 1600 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी के लिए है, 400 वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और 1080 वैकेंसीज ओबीसी कैटेगरी के लिए है और 840 एससी कैटेगरी और 80 एसटी कैटेगरी के लिए है। एनएचएम यूपी भर्ती के लिए आवेदन का लिंक एक्टिव है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट upnrhm.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सैलरी और परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव्स। इस नौकरी में आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो हम आपको बताएंगे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 20,500 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। बता दें कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 4 फरवरी 2022 से शुरू हो गई है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी है। एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस वैकेंसी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है? यूपी एनएचएम सीएचओ रिक्वायरमेंट 2022 के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्था से बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी और उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। फिर हम आपको बताते हैं कि अस्योरिटी बॉन्ड ऑफ 2.50 लाख ऑन द नॉन ज्यूडिकल स्टाम्प पेपर ₹100 मस्ट बी सबमिटेड। इसमें आपको ₹100 के स्टाम्प पेपर पर श्योरिटी बॉन्ड भर के देना है 2.5 लाख रुपए का। इसके अंदर आपको जो कैंडिडेट है वो एट अ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पर सीएचओ टू सर्व टू मिनिमम 3 ईयर्स, मतलब सीएचओ की जो नौकरी है वो 3 साल तक करेगा सब हेल्थ सेंटर लेवल HWC उत्तर प्रदेश में, जिसमें आपको श्योरिटी बॉन्ड 2.5 लाख रुपए का भरकर देना होगा। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।